ओके ओके थैंक यू वेरी मच और गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स और गुड इवनिंग नारंग सर एंड मैडम. और सबसे पहले तो मैं गॉड को थैंक्स करना चाहूंगी इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने के लिए. और थैंक्स टू अनिल सर एंड बिंदु मैडम आज का टॉपिक देने के लिए, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है वो फेवरेट टॉपिक है मेरा. आज मुझे अपने आर्टिस्ट्री मतलब अपने फेवरेट आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है. मैं बता दूं कि मेरी स्किन बहुत ही हाइपर सेंसिटिव थी और आर्टिस्ट्री यूज करने के पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर मैं क्या यूज करूं तो मेरी स्किन जो है वो हेल्दी रहेगी और ग्रोइंग रहेगी. तो बहुत सारे ब्रांड्स मैं घर में लाती थी, होम रेमेडी भी यूज करती थी, पर कुछ भी उसमें हमारे स्किन को सूट नहीं करता था. तो आफ्टर ऑल मेरी फिर आर्टिस्ट्री के बारे में मुझे पता चला और जब से इसको यूज करने लगी हूँ और मुझे डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलने लग गए हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट्री ही यूज करती हूँ. तो बहुत शानदार प्रोडक्ट्स है ये. और देखिए आज सुंदर दिखना तो आज लग्जरी नहीं है, आज की नेसेसिटी बन गई, जरूरत है आज डेट में सुंदर दिखना. आपके फैमिली में सब लोग चाहते हैं कि आप लोग सुंदर दिखे. एक हस्बैंड को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ सुंदर दिखे, वाइफ को ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड सुंदर दिखे. आपके बच्चे चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स अच्छे दिखे, तो इसलिए शायद बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आप उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो आपको बता के जाते हैं कि मम्मी आप ऐसे ऐसे आना, ठीक है. तो इट मीन्स कि वो भी अच्छे चाहते यही चाहते हैं. फिर आपकी एक सोशल अच्छी इमेज बनती है, जब आपके फ्रेंड सर्कल में आप जहाँ काम करते हैं वर्किंग है तो वहाँ भी एक आपकी अच्छी इमेज बनती है. तो सुंदर दिखना आज की जरूरत बनती जा रही है. और शायद इसीलिए आज के डेट में देखिए हर क्लास के लोग और हर जेंडर के लोग और इवन बच्चे भी सुंदर दिखना चाहते हैं. और सुंदर दिखने में स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना. अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो आप बहुत लाइट मेकअप में या बिना मेकअप के भी खूबसूरत दिख सकते हो. बहुत आप बहुत हाई फाई ड्रेसेस पहनने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल ड्रेस में भी अच्छे दिख सकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी बहुत एनहांस होती है. और जहां तक स्किन की बात है तो स्किन जब हम पैदा होते हैं आप देखिए बच्चों की स्किन कितनी अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम हमारी उम्र होती है बहुत सारी चीजें हमारे स्किन के ऊपर इफेक्ट डालती है. और उसके प्रोटेक्शन के लिए हमको ऐसे तो हमारे बॉडी में खुद ऐसी स्किन में पावर होती है कि वो अपने स्किन अपने आप को प्रोटेक्शन करने की, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत सारी चीजें निगेटिव इफेक्ट डालती है और सिर्फ उसके उससे काम नहीं चलता और हमको प्रॉपर स्किन केयर की जरूरत पड़ती है ना. तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आप बैलेंस डाइट ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रॉपर रेस्ट ले सकते हैं और स्ट्रेस को दूर रख सकते हैं. अच्छा जितनी क्वांटिटी में हमको वाटर जरूरत होता है उतना पानी पी के हम अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते है ना, जैसे आपका जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पॉल्यूशन है, एजिंग है, ये सारी चीजें तो होनी ही है. तो उससे हमको अपने स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना है. तो आज मैं उसी पे बात करूंगी और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास इतने ऑसम प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम अपने स्किन की प्रॉपर केयर कर सकते हैं. और मैं ये बता दूं कि जो स्किन जो केयर का मामला है ऐसा नहीं है, कभी कभी मैं देखती हूँ कि लोगों की बहुत कैजुअल अप्रोच होती है अपने स्किन को लेके, वो डेली केयर नहीं करते, ठीक है. स्किन हमारा जो है वो भी हमारा एक ऑर्गन है और उसको अगर आपको हेल्दी रखना है लॉन्ग टर्म तक, उसको ग्रोइंग और हेल्दी और सुंदर रखना है तो आपको उसमें डेली केयर करने की जरूरत पड़ेगी. लेकिन कभी कभी हम अपने स्किन को लेके बहुत ही कैजुअल होते हैं, प्रॉपर केयर नहीं करते हैं और जैसे कुछ ऐसा ओकेजन आ गया, घर में कुछ फंक्शन है या कुछ फेस्टिवल्स हैं तो हम सीधा पार्लर की ओर जाते हैं, कई सिटिंग्स देते हैं, कितने खर्चे करते हैं और उसके बाद और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो ब्यूटिशियन है उसका बहुत गलत फायदा उठाती है ना. तो अगर हम आपको ये बोले कि आप घर बैठे रोज रोज अपने स्किन के ऊपर थोड़ा काम करके आप उसको हेल्दी रख सकते हैं और हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिसको यूज करके आप एक एज होने के बावजूद बहुत सुंदर दिख सकते हैं, आपकी स्किन बहुत हेल्दी दिख सकती है. तो चलिए मैं मुझे अपने फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में बात करना है तो मैं फटाफट बात करती हूँ. मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ तो शायद टॉपिक से थोड़ा सा हट जाती हूँ, डाइवर्ट हो जाती हूँ और टाइम बहुत हो जाता है. तो जो मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, वो है जेल क्लींजर, है ना. और जब आप स्किन का जो बेसिक जो स्टेप है कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको क्लींजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करनी है, तो ये इसके लिए बहुत ही बढ़िया है. और ये आर्टिस्ट्री जो आपके पास आप सबको पता ही होगा कि सुपर प्रीमियम ब्रांड है और वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड में से एक आता है और ये नेचर और साइंस का बेस्ट कॉम्बिनेशन है और इसके सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और नॉन कॉमेडोजेनिक है, मतलब आप जब आप इसको यूज करते हैं तो आपके स्किन के पोर्स को ये बंद नहीं करता है. तो ये सारी क्वालिटीज इसमें पाई जाती है और ये पूरी तरीके से नेचुरल है और नेचुरल तरीके से आपके स्किन को के अंदर जाके काम करते हैं. तो ये जो हमारा जेल क्लींजर है ये बिल्कुल बहुत ही माइल्ड और जेंटल है
और सल्फेट फ्री और सोप फ्री है, साथ में ये मतलब वाटर बेस्ड है और वाटर बेस्ड जेल है, और जब आप इसके यूज करते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन की डीप पेनेट्रेट करी, जो हमारे स्किन में स्किन पोर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं, डर्ट होता है, जर्म्स होते हैं, उन सबको बहुत अच्छे से डीप क्लीन करता है और उसके बाद उसकी टोनिंग भी करता है। और इसके जो हीरो इंग्रेडिएंट है, हमने शायद उसके कभी नाम भी नहीं सुने थे, इसके जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स होता है, ग्रीन एसुरेला चेरी, जो कि हमारे न्यूट्राइट फार्म्स में उगाए जाते हैं। आपको पता है कि जो एसुरेला चेरी होता है वो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है, तो ये हमको एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है। साथ में इसमें खीरा है जो स्किन को बहुत ही सूदिंग इफेक्ट डालता है, बहुत कूल और बहुत ही कंफर्टेबल, आपको बहुत ही आराम का एहसास होगा आप इसको लगाएंगे तो। साथ में इसमें कुछ और भी इंग्रेडिएंट है जैसे कि विच हेजल, वाइट विलो बार्क, ये सब स्किन के जो पोर्स होते हैं उसको कम दिखने में ये हेल्पिंग होते हैं। कभी कभी आप देखिए किसी के स्किन में पोर्स साइज कितने बड़े बड़े होते हैं, उसको नॉर्मलाइज करता है और उनके साइज को कम करता है। फिर आपका बहुत सारा और भी इंग्रेडिएंट है इसमें, एलोवेरा होगा, मीटो स्वीट, डिको राइस, शीशो, वाइट विलो बार्क, आप ये सब देखेंगे तो इसमें जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटीज होती है, जो तब आप इसको स्किन में जब यूज करते हैं तो आपकी स्किन में कोई इरिटेशन नहीं होता, बहुत ही सूदिंग इफेक्ट डालता है, तो बहुत ही बेस्ट है। बिल्कुल आपको डीप क्लीन करता है, प्लस स्किन की टोनिंग भी करता है, और इस प्रोसेस में स्किन को कहीं से भी ड्राई नहीं करता है, उसको हाइड्रेट करता है ना, उसके पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है जिससे आप अपने स्किन की अच्छे से सफाई कर सकते हैं। अब साफ करने के बाद आता है मॉइस्चराइजर की बारी आती है, तो मॉइस्चराइजर हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो है अल्ट्रा लिफ्टिंग, है ना। मॉइस्चराइजर हर उम्र में की जरूरत है आपको, हर सब जब भी आप क्लीन करते हैं स्किन को तो आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए, चाहे आपकी स्किन टाइप कुछ भी हो, लेकिन हर उम्र में हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट अलग होती है और एक एज के बाद आपको एंटी एजिंग प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। आप सबको पता ही होगा कि आर्टिस्ट में हमारे पास डेली केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे वीकली केयर है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, कुछ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं, कलर कॉस्मेटिक है, तो ये हमारे एंटी एजिंग प्रोडक्ट में आता है ये जो अल्ट्रा है, है ना। और ऐसा नहीं है कि आपको, ऐसा तो हम रेकमेंड करते हैं कि आफ्टर 40 आप इसको यूज करिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि 40 के हो जाए तब इसको यूज करना है। कई बार यंग एज में भी क्या होता है कि हमारी स्किन डैमेज हो गई होती है, तब भी इसको बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। अब इसके भी बहुत अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट है, जैसे आप देखिए उम्र के साथ क्या होता है, हमारी जो स्किन पे झुर्रियां, फाइन लाइंस ये सब बनने लग जाते हैं और हमको उसी के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर यूज करना है। अब इसमें क्या है कि रेड कैवियर कंसेंट्रेट होता है, इसका काम क्या है, आपकी स्किन को बहुत ही रोजी ग्लो देता है, बहुत पिंकिश ग्लो देता है और जितने भी डैमेजेस हुए होते हैं हमारे स्किन के अंदर उसको रिपेयर करता है। प्लस इसमें विंटर चेरी जिनसिंग है और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको बहुत एंशियंट टाइम से हमारे भारत देश में, बहुत प्राचीन समय से इसको मेडिसिन वगैरह में इसको यूज किया जाता था। तो ये आपके जो स्किन सेल्स को, जो स्ट्रेस्ड सेल होते हैं उसको रिवाइटलाइज करता है, उसको स्टिमुलेट करता है और उसको इनर ग्रोथ देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत रेडियंट दिखती है, सॉफ्ट रहती है और साफ दिखती है, ब्राइटनेस उसमें रहता है। उसके बाद उसमें सिल्वर वाइन फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जो हमारे स्किन को बहुत ही ग्लोइंग और रेडिएंट बनाता है और उसमें माइक्रो 6 पेप्टाइड है जो हमारे सारे डैमेजेस को रिपेयर करता है। और इसका एक्सपीरियंस आपको ओवरनाइट दिखेगा। आप जब भी आपके स्किन में कभी ऐसा लगता है ना कि स्किन थोड़ी फट सी गई है, ड्राई हो गई है या कोई ग्लो नहीं है, है ना, और मतलब स्किन बहुत डल सी दिख रही है, आप इसको लगा के रात में सोइए, ओवरनाइट सुबह सुबह आपकी स्किन थोड़ी पिंकिश दिखेगी, बहुत अच्छा ग्लो और बहुत ही आपको आराम महसूस होगा स्किन में, है ना, कोई इरिटेशन आपको फील नहीं होगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है। अब बात आती है, कभी कभी देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ यूज कर रहे हैं, है ना, पर फिर भी हमारे जो स्किन है वो डल दिख रही है, तो इसमें क्या होता है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो अब उसमें खासकर आप देखिए, जब हम हमारे घर में शादी ब्याह वगैरह है, कुछ फेस्टिवल्स है, कुछ फंक्शन है, अभी फेस्टिवल्स का सीजन आ गया है ना, तो हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हम चाहते हैं कि हम अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन लें, तो हम अच्छे ड्रेसेस लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं। अब तब हमको अपने स्किन का भी थोड़ा ध्यान आता है कि यार स्किन तो बहुत डल दिख रही है, या हो सकता है उसमें स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो या फाइन लाइंस थोड़े विजिबल हो गए हो, तब हम क्या करते हैं, अब हम सोचते हैं कि हमको सुंदर दिखना है तो हम मतलब पार्लर के कई सेटिंग्स लगाते हैं, ठीक है, पार्लर में जाते हैं, कई सेटिंग्स देते हैं और उसमें बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास दो ऐसे मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं, दो ऐसे डब्बे हैं जो बिल्कुल, ये आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठ के
है ना, कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स इन्वेस्ट करके आप अपनी स्किन के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग हो जाएगी, है ना, कुछ स्पॉट्स होंगे वो भी दूर हो जाएंगे और बहुत हेल्थी और स्मूदर आपको स्किन मिलेगा, है ना। तो ये कैसा रहेगा, तो मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट है अभी मैं जो बात करूंगी वो है आपका, सबसे पहले तो मैं विटामिन सी पे बात करूंगी। ये विटामिन सी है और एक प्रोडक्ट है जो पी, ये इसीलिए मैंने रखा है क्योंकि मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। मेरे स्किन में बहुत सारे चैलेंजेस थे और ट्रीटमेंट में मैंने बहुत पैसा खर्च किया, आफ्टरऑल मैं इन्हीं को यूज करके मेरी स्किन जो है हेल्दी हुई है। और जैसा कि आप सब देख रहे होंगे तो आप सब समझ सकते हैं कि स्किन मेरी ठीक है ना। तो चलिए अगर मैं बात करूं विटामिन सी की, है ना, तो हमको पता है कि बहुत सारे जो फ्री रेडिकल डैमेजेस होते हैं ना, हमारी एजिंग होती है, फिर हम पॉल्यूशन है, खाने में मिलावट है और बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर निगेटिव इफेक्ट डाल रही होती है हमारे बॉडी के ऊपर। तो हम बहुत सारे विटामिन सी खाते हैं, है ना, कि हमारी बॉडी अंदर से हेल्दी रहे, हमारे बॉडी ऑर्गन्स हेल्दी रहे और सारे फ्री रेडिकल जो डैमेजेस होते हैं वो रिपेयर हो जाए विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट लेने से। तो ये तो हमारे शरीर को अंदर से हेल्दी रखने की बात हो गई, लेकिन आप देखिए कि जो हमारे चेहरे की स्किन है वो मोस्ट डेलिकेट, बहुत ही नाजुक होती है और हर चीजों को सबसे पहले वही फेस करती है, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे अल्ट्रावायलेट रेज हो, चाहे धूल हो, गंदगी हो, जर्म्स हो, सबको सबसे पहले वही फेस करती है। तो हम स्किन का क्या करें, तो ये सारी चीजें जब स्किन पे बहुत लंबा इफेक्ट डालती है तो हमारे स्किन में बहुत सारे जो फ्री रेडिकल डैमेजेस हो जाते हैं, उसकी वजह से आप देखिएगा प्री एजिंग भी दिखती है, है ना, स्किन पे बहुत सारे फाइन लाइंस आ जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं। तो अब उसके लिए हम क्या करें, अब स्किन के लिए हम कौन सा विटामिन सी यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास बहुत शानदार प्रोडक्ट है आपका, ये है, इसका नाम है आर्टिस्ट्री एडवांस विटामिन सी प्लस हाइलुरोनिक एसिड। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चीज होता है, ये 100% प्योर विटामिन सी है। जनरली आप जब हम कहते हैं, जब इसका रेट हम बताते हैं लोगों को तो लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा है, लेकिन आप मार्केट में जाइए आपको जो वहाँ विटामिन सी के दूसरे ब्रांड के जो प्रोडक्ट मिलेंगे विटामिन सी के, वो 100% प्योर विटामिन नहीं होते। और जो विटामिन सी होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, खासकर जब आप इसको लिक्विड में डालते हैं तो वो बहुत ही जल्दी अपना एफिशिएंसी वो उसकी कम होने लग जाती है। तो इसका बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन हमारे आर्टिस्ट्री ने निकाला है कि इसका जो विटामिन सी है एक छोटे से कैप में आता है, कैप तो मेरे पास नहीं है, जब आप इसको यूज करेंगे तो छोटा सा कैप मिलेगा, है ना, कैप में विटामिन सी पाउडर के फॉर्म में होता है जब आप उसको यूज करते हैं, और ऐसे डब्बे में हाइलुरोनिक एसिड होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है। तो आप उस कैप को आप इसमें इस छोटे से जो बॉटल है इसमें आप उसको बंद करके आप प्रेस करेंगे तो पाउडर जो है इस एसिड में चला जाता है, हाइलुरोनिक एसिड में चला जाता है, बहुत अच्छे से मिल जाता है ये और एब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आपके जो इसमें विटामिन सी है आपके सारे जो फ्री रेडिकल डैमेजेस हैं उनको रिपेयर करता है। और हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या है, देखिए कभी कभी बहुत सारे पॉल्यूशन जो निगेटिव इफेक्ट्स होते हैं पॉल्यूशन के, अल्ट्रावायलेट रेज के, इन सब चीजों का असर पड़ रहा होता है, साथ में एजिंग के साथ में हमारे शरीर में पाए जाने वाला हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह पड़ने लग जाते हैं। आपने ऐसी जमीन देखी है जहां बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है ना, तो जमीन वहां पे फट जाता है क्योंकि जो सॉइल में मॉइस्चर का क्या होता है कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, तो जमीन में दरारें पड़ जाती है। उसी तरीके से जब हमारे शरीर का हाइलुरोनिक एसिड कम होने लग जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्किन में फाइन लाइंस ये सब डेवलप होने लग जाते हैं। तो अब उसको दूर करने के लिए ये हाइलुरोनिक एसिड है, ये बहुत इफेक्टिव है। और आप जब ये डर्मा फिलर्स इसके ट्रीटमेंट के लिए कराते हैं, आप देखिएगा सेलिब्रिटीज जो होते हैं, जो हमारे फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, आप वो तरह तरह के ट्रीटमेंट कराते हैं जिसमें डर्मा फिलर ट्रीटमेंट होता है, उसमें क्या किया जाता है, ये जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसको ये जेल फॉर्म में होता है और उसको इंजेक्ट करके आपके स्किन के अंदर डाला जाता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत ही पैनिक वो होता है, प्रोसेस होता है ना, और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। और ये चीज हम घर में बैठ करके बिल्कुल हम इसको बिल्कुल वैसा ही सिमिलर रिजल्ट आपको मिलेगा जो ट्रीटमेंट वो फार्मा डीलर फिलर्स के द्वारा जो डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, और हम उसको घर में बैठ के कुछ सेकंड्स में बहुत ही आराम से कर सकते हैं। वैसे तो ये 30 डेज का पावर शॉट है, आप 30 दिन चलता है ये, है ना, लेकिन आप
इसका एक सप्ताह में ही इसका विजिबल रिजल्ट्स आपको मिलता है। आपकी स्किन बहुत ही रेडियंट, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही यंगर लुक देती है, और जितने फाइन लाइंस और आपके रिंगल्स हैं वो कम होने लग जाते हैं, स्किन पोर्स का साइज कम दिखने लग जाता है, टेक्सचर टोन दोनों अच्छा हो जाता है, स्किन आपकी बहुत रेडियंट हो जाती है, स्पॉट्स गायब हो जाते हैं। तो ये आपके वैसे भी जो डेली स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स, उसमें एक सीरम तो होना ही चाहिए, और विटामिन सी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप रेगुलर यूज कर सकते हैं, है ना, स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी है। उसके बाद मेरा एक और फेवरेट प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात करना चाहूंगी, यह है बील, है ना। ये आर्टिस्ट्री इंटेंसिव स्किन केयर में रिन्यूइंग बील नाम से एक प्रोडक्ट आता है, और इन सब का भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी। तो थोड़ा मैं ये सारे प्रोडक्ट्स को कवर करूं। कभी कभी हमको लगता है कि हमारी स्किन ना बहुत ज्यादा डल ड्राई दिख रही है और वो ग्लो उसमें नहीं आ रहा है, तो आप ये प्रोडक्ट यूज करिए बिल्कुल, आप 8 मिनट में, 8 पंप में और 8 वीक्स में आपका रिजल्ट में आपके जो स्किन में ड्रास्टिक आपको चेंज दिखेगा। तो ये बहुत ही औसम रिजल्ट है, मैंने इसको बहुत यूज किया है और अभी भी ये मेरे घर में रहता है, मैं एक पैक हमेशा इसको मंगा के रखी रहती हूँ। अब इसका काम क्या है कि देखिए, हमारे स्किन में क्या होता है कि बॉडी में सेल्स बनते रहते हैं और डेड सेल्स रिमूव होते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है ये प्रोसेस थोड़ा डिले होते जाता है, और डेड सेल्स अगर ठीक से रिमूव नहीं हुए तो आपकी स्किन बहुत ही डल दिखेगी, कोई ग्लो नहीं रहेगा। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके जो डेड सेल्स है उसको आपके स्किन के अंदर जा करके जो ऐसे प्रोटीन बॉन्ड्स को तोड़ता है जो कि डेड सेल्स को बांध के रखते हैं, और उसकी वजह से जो डेड सेल्स होते हैं बहुत अच्छे से निकलता है और पीएच बैलेंस को बना के रखता है, और इसमें मशरूम एंजाइम से बना हुआ है ये, और क्या है कि बहुत ही नेचुरल है और नेचुरल तरीके से आपके स्किन के अंदर जा करके ये काम करता है। और आप देखिएगा, जब आप पार्लर में जाते हैं तो वहां पे जो केमिकल पीलिंग की जाती है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, कई सीटिंग्स आपको देनी होती है, उसके कई साइड इफेक्ट होते हैं, और ये वैसे ही प्रोफेशनल जो केमिकल पीलिंग होती है उसका रिजल्ट आप घर बैठ के बहुत ही कम रेट में, बहुत ही, मतलब आप समझिए बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस है ये। आप जब डॉक्टर के पास जाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, इसका कॉस्ट पता करिए, कई हजार में जाता है, और ये काम आप सिर्फ 4,000 में घर में बहुत ही आराम से कर सकते हैं। वैसे तो ये आप कहते हैं कि 8 वीक्स में, पर आपको इसको सिंगल यूज में आपको इसका इफेक्ट दिखेगा, आप एक यूज में ही आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, आप छुएंगे इतनी स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल यंगर हेल्दियर बनाएगा, बहुत ही रेडियंट बनाता है। और इसका पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा ही है, मेरे स्किन पे काफी स्पॉट्स थे और पिगमेंटेशन के भी दाग थे, और उससे ये दूर हुआ, सारे डेड सेल्स को रिमूव करता है ये। और अभी क्या हुआ, मेरे पास एक लड़की का फोन आया, ठीक है, तो वो बिहार से है और वह फोन करके बहुत, मतलब जान पहचान की है, रिलेशन दूर रिलेशन में ही है, तो उसने मुझे ये बताया कि उसकी शादी की बात चल रही थी, और उसमें जनरली जब शादी की बात चलती है ना तो उसमें होता है कि लड़की देखने का प्रोसेस होता है, और उसमें कई बार लड़के वाले उसको देखने आए और उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया। अब वो लड़की बिल्कुल रो रही थी, है ना, कि मैं क्या करूं। तो उसमें मैंने उसको बोला कि तुमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसकी स्किन ऑयली थी, पिंपल्स थे, तो पिंपल्स के दाग वगैरह की थी। मैंने उसको अपना जो हमारा एसेंशियल आर्टिस्ट्री एसेंशियल है तो उसका जेल क्लिंजर दिया, और उसमें उसको मल्टी प्रोटीन लोशन, और साथ में मैंने उसको पील दिया, ठीक है, कि तुम इसको यूज करो, और ऐसा ये पहला एग्जांपल है। उसके बाद मैंने कई ऐसे मतलब गर्ल्स, मतलब लड़कियों को मैंने रिकमेंड किया है कि होती है ना कि अब शादी होने वाला है या फिर सगाई होने वाली है या फिर लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो मैं सबसे पहला जो प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ वो ये, है ना। तो उनसे उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद आप उनको डेली स्किन केयर पे ले आइए जो हमारे आर्टिस्ट की एसेंशियल दीजिए, और फिर उनको ये भी बताइए कि हमारे पास कलर कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छे हैं, हमारा फाउंडेशन का एक ड्रॉप ही काफी है, है ना। तो ऐसी लड़कियों को तो मैंने बहुत प्रोडक्ट ये वाले दिए हैं, और इसका जो विटामिन सी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, और हमारी टीम में बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं। और आपका ये जो मॉइस्चराइजर है, कहते हैं अल्ट्रा जो लिफ्टिंग क्रीम है, अब इसका रेट देखते हैं तो पहले तो लोग बहुत थोड़ा डरते हैं कि अरे इतना एक्सपेंसिव, मैं बोले पहले यूज करते करके तो देखो। तो जब वो यूज करते हैं तो ये डब्बा अगर आप सिंगल अकेले यूज कर रहे हैं तो 5 से 6 5 महीना चलेगा, और उसके बाद इसकी स्प्रेडेबिलिटी काफी अच्छी है, और जब इसके रिजल्ट वो देखते हैं, है ना, तो इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि जो एक बार इसको यूज कर लिया वो दोबारा दूसरा मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहता है। तो ये सारे मेरे एक्सपीरियंस है, और खुद मैं इन सबको यूज करती हूँ, और मेरी स्किन पे मैंने, मतलब मैं बहुत परेशान रहती थी कि फिर इसका क्या करूँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए मैं, कहाँ कहाँ जाके ट्रीटमेंट करवाई, कितना खर्च की, और आफ्टर ऑल सॉल्यूशन मुझे इन्हीं प्रोडक्ट्स में मिला।
तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं और हेल्दी स्किन पा सकते हैं। और एक चीज और बोलूंगी कि देखिए जो स्किन है ना, ऐसे सब हमारा सबसे लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है। तो कई बार आप देखिए घर बनाते होंगे तो मामला कॉस्ट का है, तो कई बार आप देखिए, मैं एग्जाम्पल से लोगों को समझाती हूँ कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो कितना ध्यान से बनाते हैं, कितना खर्च करते हैं, उसके लिए लोन भी लेना पड़े तो हम उसको खर्च करते हैं ना, उसकी मतलब उसका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी दीवारें जो वॉल्स होते हैं वो मजबूत होने चाहिए, दरवाजा खिड़की सुंदर लगना चाहिए, हर एक फिटिंग्स पे हम ध्यान देते हैं। लेकिन और आप ये देखिए कि घर तो जब डैमेज हो जाता है उसको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन जब हमारे हेल्थ की बारी आती है और जब हमारे स्किन की बारी आती है तो हम इतने जजमेंटल क्यों हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम खर्च नहीं करते हैं, और आज के डेट में लोग खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, उसका रिजल्ट कितना अच्छा है। और जब आप अपने हेल्थ पे और जब आप स्किन पे खर्चा करते हैं तो दैट इज नॉट खर्चा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके ही आप लॉन्ग टर्म तक हेल्दी भी रख सकते हैं और अपने स्किन को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो विद दिस थैंक यू एंड बैक टू होस्ट।